वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की टीम के बारे में। पंजाब की टीम पे भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके फैंस देखा जाए कमेंट में पूछते हैं कि हमारी टीम के नेक्स्ट कैप्टन कौन रहेंगे, क्योंकि देखिए इस टीम को कैप्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टीम कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पर जा सकती है इस बार मेगा ऑक्शन में, और उन्हें अपनी टीम का कैप्टन बनाएगी, जिनमें से हाईली चांसेस हैं कि डेविड वार्नर आप लोगों को पंजाब की टीम के कैप्टन बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अब देखिए इनके पास चॉइसेस रहेंगी कि ये स्टीवन स्मिथ के पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन स्टीवन स्मिथ से मुझे और ज्यादा अच्छे बैट्समैन आप लोगों को डेविड वार्नर देखने को मिलेंगे, जो अच्छे खासे हेल्दी स्टैंडर्ड के साथ बैटिंग करते हैं। आईपीएल में ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस भी इनके पास है, हैदराबाद से 2016 में इन्होंने ट्रॉफी भी जीती हुई, और परफॉर्मेंस देखोगे तो एकदम कमाल की। मतलब अगर आप ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाओगे ना, तो क्रिस गेल होगा या फिर डेविड वार्नर होगा, इन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर बेस्ट चॉइस रहेंगे। अगर किसी भी टीम को अपनी टीम में देखा जाए ओपनर चाहिए, तो डेविड वार्नर के पीछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं भी, मुझे इतना लगता नहीं है कि दिल्ली कैपिटल की टीम डेविड वार्नर को रिटेन करेगी, उनके पास ऑलरेडी जैक फ्रेजर मैकगर्क हो गए, तो वो उन्हें अपनी टीम में रिटेन करेंगे। डेविड वार्नर रिलीज हो जाएंगे, और डेविड वार्नर रिलीज होते हैं तो पंजाब की वो टीम रहेगी जो देखा जाए इन्हें अपनी टीम में एज देखा जाए ओपनर और एज कैप्टन अपनी टीम में अपॉइंट करती हुई नजर आ सकती है। इस टीम को नए कैप्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नए मैनेजमेंट की। अगर देखिए इस टीम में देखा है डेविड वार्नर आ जाते हैं, और अगर हेड कोच अगर रिकी पॉन्टिंग बन जाते हैं, तो ये टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस बनने वाली है। वहीं पे स्टीवन स्मिथ या फिर ग्लेन मैक्सवेल में से मेगा ऑप्शन में से किसी भी एक प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये प्रॉपर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम बनती हुई नजर आएगी, जो एक अलग ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से ये टीम जरूर देखा जाए डेविड वार्नर के पीछे जाएगी। अब देखिए मैं सैम करन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए सैम करन बहुत ज़्यादा यंग है। अब आप लोग बोलोगे एक्सपीरियंस तो उनके पास आ चुका है, लेकिन देखिए आईपीएल में कैप्टनसी मुझे फिलहाल उन पर देखा जाए सूट करती नहीं है। पंजाब की टीम, पंजाब की टीम एक ऐसी टीम है जो देखा जाए हर साल देखा जाए आईपीएल खेलने के लिए आती है, लेकिन इस टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार आती है। मतलब नंबर 6 नंबर 7 पे ही देखने को मिलेगी। पिछले 10 साल मतलब 10 साल पहले देखा जाए टॉप 4 के लिए क्वालिफाई किया था इस टीम में, आप लोग समझ सकते हो 10 साल पहले। तो आप लोग समझ सकते हो ये टीम कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंस है आईपीएल में, और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करना जानती है। लेकिन अगर आपको देखा जाए इस टीम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो आप देखिए पहले मेगा ऑप्शन से पहले डेविड वार्नर से बात कर लीजिए कि हम मेगा ऑप्शन में आपके पीछे बिड करेंगे, हम आपको अपनी टीम का कैप्टन बनाने वाले हैं। और जाहिर सी बात है आप बता दीजिए आपको कैसी स्क्वाड चाहिए, कैसी प्लेइंग 11 चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्लेयर चाहिए जो आपको अपनी टीम में चाहिए, हम उनके पीछे बिड करेंगे। देखिए डेविड वार्नर ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे चले जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको 5 से 6 या 7 करोड़ में आराम से मिल जाएंगे। पिछले 2022 सीजन में भी इतने ही देखा 6 से 7 करोड़ में दिल्ली कैपिटल की टीम में चले गए थे, तो आपको भी इतने ही ऐसे सस्ते में मिल जाएंगे। आप उन्हें अपनी टीम का कैप्टन बनाइए, टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे, उनके साथ एक अच्छा खासा इंडियन आपके पास प्रभ सिमरन सिंह अच्छे खासे ओपनर हैं, आप उनके साथ अच्छी खासी ओपनिंग करवा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ओपनिंग पेयर आपका रेडी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखिए डेविड वार्नर से अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हो, तो उनसे पूछ के टीम बनाइएगा। ये नहीं कि डेविड वार्नर को कैप्टन बना दिया फिर टीम अपने हिसाब से डिजाइन कर दी, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं रहेगा। अपने कैप्टन से पूछ के आपको अपनी टीम में हर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर एक आइडियल चॉइस रहेंगे पंजाब की टीम के लिए। बाकी आप लोग का इसमें क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना।